बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जी अंजमन ताजरान अल फता शॉपिंग प्लाजा इस अंजमन के सदर जनाब माजिद मुश्ताक साहब मौजूद ने लाहौर खिताब मेला के मालक ने ते मैं हाज साहब का भी शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने सानू अज बैठने वास्ते जगह फराहम की है। तो कूव पाकिस्तान कूव जरा किसी पंजाबी लिए काम कर रहे हैं जी साड़ी मदर लैंग्वेज है साड़ी माँ बोली है ते उस दे फरोग वास्ते तो एक पंपलेट भी दिता है कि तुसी पढ़ सकते हो। दो तीन गल्लां मैं करांगा मोटिया मोटिया जिदे नाल साडा मुद्दा जिहड़ा ना वाज़े हो जाएगा। तो पहला मैं इस तो पहला चाहवांगा कि माजिद भाई सारे दोस्तों का बेलियां का तारफ करा दें। बाबा जी काकी साहब बड़े मशहूर शाह साहब ने कावल अपना वो अपने सही भैन ने बड़ी मेहरबानी जनाब। गल है जी कि पंजाबी जुबान दे वाले असीं बैठे क्यों हां? दो तीन मोटियां मोटियां गल्लां एक सियाह सी सियाह सियाहत करन वास्ते जनूबी कोरिया जांदा तुहानूं पता है एक शिमाली कोरिया ते एक जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया बहुत तरक्की कीती है बहुत अगा लंघ गया तरक्की दे विच। तो उन्हें एक बंदे ने पूछा कि यार तुम जी इन्नी तेजी नाल तरक्की की वजह की? उन्हें कह रही यार बिल्डिंग की सारी तरक्की हुई। उन्हें कहा मतलब फिर मुझे मतलब दसो। उन्हें कहा साडा दारू तर्जमा है कि जिन्हें भी इलम सन दुनिया के वह असि कोरियन जबान इस इमारत बह के ट्रांसफर किए ने फिर असा पढ़िया तो असं तरक्की की। यानी साबित होया किसी भी कौम की तरक्की का जरा दारोमदार है वो भी अपनी जबान है। जो भुल जाए जबान अपनी हो जाए पछाण अपनी पंजाबी वो जबान है कि इस टाइम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी हो चुकी है तकरीबन वो 19 करोड़ आबादी 80% रेशो के 14 सूबे पंजाबी सब तो ज्यादा बोली जाती है मुख्तलिफ लहजों के नाल। जो इतों तुम टुटते हो दस के तो लहजा 20 किलोमीटर बाद बदलता है। अंदरून सिंध भी पंजाबी बोली जा रही है। कश्मीर की सब तो वड्डी जबान मुजफ्फराबाद बार्डर तक जी जबान बोली जा रही है वो पंजाबी। यानी पंजाबी कोई एवं कैवें जबान नहीं दुनिया की पंजवीं वड्डी जबान इस टाइम दुनिया 7000 जबाना कहा जा रहा है बोलिया जा रही उन्होंने पंजवीं वड्डी जबान आलम इस्लाम की अरबी और फारसी तो बाद तबलीगे इस्लाम दे वाला तीसरी वड्डी पंजाबी। यानी तुसीं ये कह सकते हो कि पंजाबी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी साड़ी अहमियत इसलिए ज्यादा है साड़े कि साड़ी मदर लैंग्वेज कि अक्वाम-ए-मुत्तहिदा का अदारा UNO भी मानता है कि अगर तुमने तरक्की करनी है तो उस कौम की मादरी जबान इस तरह की। लिहाजा ताजरा नाल अज मीटिंग का मकसद ये कि जिंदगी के हर शोबे के नाल जो लोग मुंसलिक ने उन्होंने अपनी जबान के हवाले नाल अगाही दी जाए। जिस तरह कि तुम देख रहे हो कि पंजाबी जबान की अहमियत के बारे 1899 एक शेर से मौलवी सुलेमान साहब ने चकवाल दे उन्होंने कहा कि पिशावर थी जमुना ताई चंबा थी ता डेरा बोलन समझन लोग पंजाबी सुचा सुखन है मेरा। यानी पिशावर हिंद को लहजे के नाल लोग पंजाबी बोलते हैं तुम्हें पता है आलैंड जो लोग समझने लगे जाओ चंबा डेरा इस्माइल खान ते इस तो अलावा कश्मीर चंबा उत्ते पंजाबी बोली जा रही है। ये देवे पंजाबी दे वसत हुण साडा मकसद की है जिस वास्ते कूव पाकिस्तान कूव दी टीम आई है ते चिराग डस्का जिन्हां दुनिया जब डस्के दा दीवा भी आखदी है जनाब माजिद मुश्ताक साहब बैठे ने। ये पंजाबी दे कई प्रोग्राम निम्स कॉलेज शिरकत कर चुके ने इन्हां नूं पता है पंजाबी दी की अहमियत है। पंजाबी स्कूलों कॉलेजों दफ्तर लागू किया जाए असी डिमांड की लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुके हैं इतने कि इन लागू किया जाए लेकिन ब्यूरोक्रेसी तुम्हें पता है हमेशा एक तरह रुकावट है वो जो एक खास तबकाती निजाम इन्होंने को आने कि पंजाबी पढ़ के कि लोग अगर ना निकल जाए तो वो एक फर्क उन्हें रखना है कि यह ज्यादा उच्ची कोई कौम है तो यह नीच नसल है इस फर्क न मिटाना है तो पंजाबी ने होनी तो पंजाबी आएगी इंशाला। तो इस वास्ते असं फेसबुक पर एक पेज भी है कूव पाकिस्तान कूव के नाम तो
एक है साडा यूट्यूब चैनल है ये उत्ते पंजाबी दे हवाले नाल बेसिक मालूमात जिहड़ियां ने असीं जिहड़ियां फीड कर चुके हाँ अगों भी आ रही पिछे भी जिन्ने प्रोग्राम ने मौजूद ने यह दूजा सफा अगर तुम खोलोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माँ बोली पंजाबी क्यों पहला अनुमान है कि शरा खानगी च वाधा कि अगर बच्चे की वो माँ की जबान पढ़ाओगे तो दुनिया च इको ही असूल है कि इस तो वध के शरा खानगी नहीं बढ़ सकती लिटरेसी रेट बढ़ने वास्ते सब तो बेसिक रेट व्हाट्सअप पंजाबी जी जी आकाश साहब सब तो ज़्यादा पंजाबी शाह साहब तो अपनी वसों रहतल बैतल का दिफा क्योंकि जो थोड़ी एक धरी है देखो असं इतने बैठे हाँ किस्सा पूरन भगत सी सस्सी पुनू सी इतने लिखा गया हर जबान चंगी फ्रांसीसी भी चंगी है अंग्रेजी भी चंगी है चीनी भी चंगी है उर्दू भी चंगी है मगर दिबस्ताने लखनऊ पढ़ो दिबस्ताने दिल्ली भी पढ़ो मगर सानू सियालकोट दे वसेब दा भी तो पता होना चाहिए ना गुजराने का भी पता होना चाहिए सानू लाहौर का पता होना चाहिए सानू अपने जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा साडा अपना सकाफती कल्चर है जिहड़ा चनाब का कल्चर है पंज दरियावां का कल्चर है ते उसकी तारीख के बारे च पता करना है उस सिर्फ सानू इत्थों दी लोकल जबान यानी पंजाबी च ही लगेगा वो किसी होर जबान च नहीं लग सकता 80% लोगों की जबान मैं अगर अर्ज कर चुके हैं कि चौवां सूबे बोली जा रही है आजाद कश्मीर की भी 90% 96% आबादी जी जबान बोल रही है तो 19 करोड़ दुनिया की पंजी वड्डी जबान है हाँ मांग ही लई क्योंकि पंजाबी जबान एक ऐसी है कि सूफी बाबा की जबान है मियाँ मुहम्मद बख्श की जबान है बुले शाह साहब की जबान है और नफरत नहीं सन फैलाते जिस तरह के एक शेर वाजे वे कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना डिगर ते दिन होया मुहम्मद तो ओढ़क नहीं डुब जाना तबलीग दे वालों भी गल करो अरबी फारसी तो पंजाबी है तीन ही जबाना ने तो ये असरात दूसरी जगह पर होए ने उर्दू के शायरों ने भी इन्हें मनिया है जो किस्से पढ़े ने सुनाया रात को किस्सा जो हीरगंजे का तहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया तो बाकी मालूमात उत्ते मौजूद ने तुसी पढ़ते रहना तो अज ये असी पंजाबी नूं चाहुंदे सां एक लोक लहर की शक्ल के अंदर लोगों के लिया जाए इन आवामी तहरीक बनाया जाए जो सा मुतालबा है जिन्होंने हाई कोर्ट मन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के सबका जज जस्टिस जवाद एस खाजा ने भी अपनी हेयरिंग इतने कर चुके सन उस तो बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया ना उस फैसले के उत्ते दरअसल अमल दरामद कराना चाहते हैं लेकिन कोई भी चीज़ जिन्नी देर तक कौम के सारे तबके गल ना करन क्योंकि साड़ी मादरी जबान है सारे तुम्हें ये अगाही नहीं होएगी तुहानू पता ही नहीं होएगा तो फिर असं किस तरह अगे वधांगे मसलन इस तरह तुहानू पता साडे मुख्तलिफ लहजे ने मुल्तानी लहजा है जिन्होंने अजकल सराइकी कहा जाता वह भी साडा एक लहजा है पंजाबी का तो इस तरह जो तुम इधर चले जाते हो पिंडी साइड वाल उत्थे भी पंजाबी बोली जा रही है टक तक फिर अंदरून सिंध यह अगाही मुहिम है असं ये चाहते हाँ कि तमाम लोकाई में यह पैगाम पहुँचाया जाए कि पंजाबी जरूरी क्यों है पंजाब का कल्चर की है और पाकिस्तान के अहमियत की है सब तो वड्डी जबान है पाकिस्तान की तो यह एहतराम हर जबान का मगर माँ की जबान का मुतबादल कोई ऐसी जबान ही नहीं जरा बहुत बहुत पालन कर सके तो जी आ गल हो गया मेरे वालों अगर थोड़े तो कोई दोस्त गल करना चाहे व्हाट्सएप भी बैठे रहे अगर वो गल सुना चाहते सुना सकते हैं कुछ सवाल करना चाहूँगा खूब पाकिस्तान खूब एक अदारे की शक्ल काम कर रहे हैं पेज मौजूद है फेसबुक से ग्रुप भी है इस तो अलावा यूट्यूब चैनल तो सबसक्राइब करो चैक करो देखो वीडियोज़ दे की है कुछ सवाल आए जरूर पूछो मैं हाजिर हाँ माजिद भाई मौजूद ने यह पंजाबी लिए बड़ा हाल किया है जी भट्ट साहब भाई साहब तुम गल मेरा ख्याल पंजाबी के हवाले थोड़े से इंच आ रही थी भट्ट साहब जी माशाल्लाह सारे पंजाबी भरा अल्लाह ताला सब जिंदगी तंदुरुस्ती रखे साडा एक कल्चर है और असी जिन्ना तक जिंदगी है साडा कल्चर इसी तरह ही है पंजाबी तो साढ़े घर च भी पंजाबी बोली जाती पंजाब च भी साढ़े दसके च भी पंजाबी बोली जाती और जिथे जिथे भी गए हैं पंजाबी सुनी है और आवाज़ ये नहीं है कि असी नहीं आवाज़ सुनी जिथे ना मैं गया और आवाज मेरी ओथे भी पंजाबी दी पुछदे ने
यार तू पंजाबी है, पठान है, उर्दू है, असि दसने के पंजाबी है। सब पटियाला जिले पंजाबी बोली जाती है? नहीं उठे तो नहीं, उठे अपनी जबान सिंधी बोली जाती है। अच्छा भट्ट साहब तुसी कोई पंजाबी चाज कुछ सुनाना भी चाहो के सानू कुछ चीज सुनाओ, कुछ काफी बता दिया भी कितना पंजाबी तो कोई चीज जेडी तुहानू आउंदी होए तुसी पेश करो आज दी आस मजलिस दे अंदर। वो ते सिर्फ है छोटे जे दो को बोल सर लोग अच्छा वो काम यानी के मार्केट दे वाले या सी वैसे कॉमेडी थोड़ा जा है के मार्केट दे विच बंदे चलदे पए ने सन ते और च थोड़ा जे ऐसी कर लेने जरूर जरूर और च ऐसी हाले मंदा भी जान नहीं उछड़दा, हाले मंदा भी जान नहीं उछड़दा, मार्केट दे विचों दा कोई कोई लंघदा। वधिया जी पांच सात दिन ना तो भाई पैसा भी नहीं वटिया बे, कसम कुरान दी कुछ नहीं खटिया, मंदिया ने मारिया दिला ने साड़िया, उत्तो यूनियन 300 वे मंग दी। वाह उत्तो यूनियन 300 वे मंग दी। सदर साहब सदर साहब ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ छोटा जहां इंशाल्लाह असि दसके ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਭ तहरीक की मेहरबानी कि सानू तुसा दित्तियां ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
लेकिन ए सू अपनी तारीख का अपनी धरती का इतराज भी होना चाहिए। मसलन की वजह है, सारे लोग आने अपने सूबे की वंड नहीं करना, हर जिहड़ी इलाका है वो अपनी एक शनाख्त रखता है, बाकी सूबे दी शनाख्त है, साडी भी एक शनाख्त है। इसलिए सानू भी चाहिए कि असि एक यूनिटी के नाल अगे वधीए। और बस जी है तुहाडे अगे गुजारिश है, सानू बड़ी मेहरबानी साहब।